हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंप डाउन क्या है और एंड हाउ टू डू इट, और इसे कैसे करते हैं एंड व्हाई डू यू पंप डाउन, और पंप डाउन क्यों किया जाता है। ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्लाइंट इस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछ देते हैं, कहीं भी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंडिया हो या इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपको खुद से जब आपको काम करना है तभी भी आपको इस चीज का जरूरत पड़ता है। तो इसके बारे में आपको हम फुल डिटेल्स अच्छे से बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो जिन्हें मालूम है पंप डाउन के बारे में, जो पुराने हैं वो वीडियो को स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबा हो गया, इतना लंबा क्यों बना दिया। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, बहुत सारे नए लोग हैं या जो ज्यादा एक्सप्लेन चाहते हैं समझने के लिए, और उनका कहना सही भी है। जब तक अच्छे से मालूम नहीं रहेगा, जब तक अच्छा प्रोसीजर मालूम नहीं रहेगा, अगर वो सिस्टम के पास जाते हैं तो किसी भी तरह की गलती हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम सीखें तो पूरा अच्छे से उसका जानकारी ले लें, उसके बारे में अच्छा मालूम रख लें। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, व्हाट इज पंप डाउन, हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं पंप डाउन क्या है। तो पंप डाउन सीधा हमको ये जानना है कि कंडेंसर साइड में, कंप्रेसर और कंडेंसर, ये आपको बता दे रहे हैं कि इसमें दो पार्ट होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको पहले मालूम होना चाहिए, उधर में हम ए ड्रॉइंग बनाए हैं, ये हम आपको समझाएंगे। बट अदरवाइज अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये साइकिल है। तो ये साइकिल में क्या है कि दो पार्ट आता है, एक इधर में लो साइड आता है, इधर में हाई साइड आता है, हाई साइड आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग रेफ्रिजरेंट को टोटल हाई साइड में जो स्टोर करते हैं ना, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में जो स्टोर करते हैं, उसे हम पंप डाउन कहते हैं, उसे पंप डाउन करना कहते हैं। जो भी रेफ्रिजरेंट को सब इधर में स्टोर करते हैं, जो हमारा लो साइड में। अब दूसरी बात, इसको कैसे करते हैं, तो इसका हम प्रोसीजर बताएंगे कैसे करते हैं, इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। एंड व्हाई डू यू पंप डाउन, पंप डाउन क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जब भी हमारा लो साइड में, इसको इवेपोरेटर, इसको कूलिंग कॉइल में बोलते हैं, ठीक है ना, जब भी हमारा लो साइड में कुछ प्रॉब्लम होता है, या हमें यूनिट का सर्विस करना है, या इधर में लीक हो गया है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग उस टाइम पंप डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी मान लीजिए इवेपोरेटर कॉइल में ज्यादा ये आ गया, स्केल आ गया, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ब्लोअर ज्यादा गंदा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि पंप डाउन करते हैं। तो पंप डाउन करते कैसे हैं, उसके लिए देखिए, यहाँ पर ये हमारा आउटलेट, ये स्पीड एसी का हमने ड्राइंग बनाया है। आपका चिलर भी रहेगा, डीएक्स यूनिट भी रहेगा, तो सबका प्रोसीजर सेम ही है। कैसे करना है, तो पंप डाउन करने के लिए हम लोग लिक्विड लाइन का भल्व को बंद करते हैं, लिक्विड लाइन जो सर्विस वाल्व होता है, बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा आउटडोर यूनिट है, ठीक है। इसमें आप समझ लीजिए, यहां पर क्या कहते हैं, एक भल्व रहेगा, ये हमारा लिक्विड लाइन, ये कंडेंसर है ना, ये डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, ये हमारा लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन को जब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो इसमें यहाँ प्रोसीजर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, ये कंप्रेसर इधर से सक कर रहा है, इधर से डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा कि इधर से जो भी रेफ्रिजरेंट आएगा यहीं पे स्टे हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा। अब उसके बाद क्या है, इधर से जितना रेफ्रिजरेंट है कंप्रेसर सक करके इधर कंडेंसर की ओर भेजेगा, और यहां से सब स्टोर होने रहेगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इधर का भी भल्व को बंद कर देंगे। तो वही प्रोसीजर हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि अभी आप स्प्लिट यूनिट देखे होंगे, स्प्लिट यूनिट में दो लाइन निकला रहता है, एक सक्शन लाइन रहता है और एक लिक्विड लाइन रहता है। तो नेक्स्ट हमारा बच रहा है एंड हाउ टू डू इट, इसको कैसे करते हैं। तो जब भी आपको इसके बारे में बताना हो, क्लाइंट को बताना हो, तो क्लाइंट को बताने के लिए आप इजी बता सकते हैं कि यूनिट को चालू करने के बाद क्या है, सबसे पहले हम लिक्विड लाइन को बंद करेंगे, ठीक है। लिक्विड लाइन को बंद करने के बाद सक्शन लाइन में गेज को लगा कर रखेंगे, जैसे ही देखेंगे रीडिंग हमारा 0 PSIG तक आ गया, उस हिसाब से हम सक्शन लाइन को क्लोज करेंगे और सिस्टम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा प्रोसीजर हो गया पंप डाउन करने के लिए। अब कैसे करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप देख लें। करने के लिए क्या है, ये हमारा मान लीजिए लिक्विड लाइन, अब करते कैसे हैं आप समझ लीजिए, आपको काम करने में आसानी होगा। आप देखें, हमें स्प्लिट एसी का आउटडोर के पास दो लगा रहता है, एक लिक्विड लाइन एक सक्शन लाइन। ये लिक्विड लाइन कभी भी पतला रहता है और सक्शन लाइन हमेशा मोटा रहता है। जैसा हमने लिख दिया है, रेड वाला सिलेंडर में लिक्विड लाइन और ये ब्लू वाला लाइन जो है ये सक्शन लाइन है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि ये हमारा
लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन को हम क्या करेंगे 4 mm 5 mm का एलेंकी हमारा रहता है उसके जरिए हम क्या करेंगे इसको क्लोज करेंगे। यूनिट हमारा चालू होना चाहिए तब पंप डाउन होगा। अब ये एलेंकी के जरिए हम इसको फुल क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद गेज यहाँ पर हम लगा करके रखे हैं। ये न्यू न्यूक्लियर प्रोसीजर है, जो पुराने हो गए हैं टेक्नीशियन वो तो इजी उनको कंप्रेसर साउंड से मालूम चल जाता है कि गैस खत्म हो गया मतलब पंप डाउन हो गया या एक टाइमिंग के हिसाब से मालूम चल जाता है। लेकिन जो नए हैं अच्छा प्रोसीजर यही है कि गैस आप लगा लें, गेज को लगा लें। मान लीजिए यहाँ पे आपने गेज को लगा करके रखे हुए हैं 60, 50, 45, 0 इस तरह से रीडिंग रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर गेज का तो ऑलरेडी हम प्रोसीजर आपको फंक्शन बताए हैं, इसके अंदर रीडिंग रहता है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे आप क्लोज करने से क्या होगा, जो भी रेफ्रिजरेंट है यहां से निकला डिस्चार्ज लाइन, ये इधर से होते हुए इधर कैपिलरी के जरिए इधर पार हो रहा था, आगे जा रहा था। लेकिन ये क्या होगा, यहीं से यहां रुक जाएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा। रेफ्रिजरेंट मतलब इंडोर कॉइल में अब जाना बंद हो जाएगा। तो जो रेफ्रिजरेंट पहले से मौजूद रहेगा हमारा इंडोर कॉइल में, वो रेफ्रिजरेंट जो है हमारा इधर में सक करेगा, क्योंकि ये हमारा बल्ब ओपन है, दो बल्ब रहता है तो ये एक बल्ब हमारा ओपन है, ये टोटल स्टोर हमारा कंडेंसर साइड में स्टोर होने लगेगा, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही आप रीडिंग को देखें कि 5 PSI तक आ गया, 5 के बाद अब 0 आएगा, तो आप क्या करें सक्शन लाइन को बल्ब को भी क्लोज करना है, ठीक है ना। सक्शन लाइन को बल्ब को भी हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करते समय लगभग 70% 50% के आसपास जब सक्शन लाइन को क्लोज कर देंगे तो उसी टाइम आप बोले कि यूनिट को ऑफ कर दे। कोई यूनिट को आप खड़ा रखें, इंडोर यूनिट के पास किसी को खड़ा रखें जो स्विच ऑफ कर दे, या आउटडोर यूनिट में एक वायर रहता है ना कंट्रोल, अपना ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये कंट्रोल है, तो कंट्रोल वायर को आप निकाल दें यहीं से सामने से। ज्यादा टाइम आप बंद करके यूनिट को खाली ऐसे ना चलाएं, उससे क्या है इसके अंदर मैकेनिकल डिवाइस रहता है। अब दोनों आप बल्ब बंद कर दिए हैं तो कुछ बड़ा इफेक्ट हो जाएगा ना, उसके अंदर टूट फट सकता है या फट सकता है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। जैसे ही मान लीजिए इसका लगभग 70% आपका 50% ये सक्शन को क्लोज किए, 2-4 स्क्रू घुमाएंगे तो फिर वापस पूरा टाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 PSI 3 PSI का रिमूव भी हो जाता है, गैस हट भी जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको सेफ्टी बरतना बहुत जरूरी है, ऐसा पूरा भी क्लोज कर देंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं चला ज्यादा टाइम आप रनिंग कर दिए तो क्या है कि प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 PSI के आसपास जैसे ही आएगा हम लोग इस बल्ब को भी क्लोज कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग पंप डाउन करते हैं, उसके बाद आप यूनिट को यहाँ से यहाँ भी दो फ्लेयर में टाइट रहता है निकाल के यूनिट को सर्विस कर दे, जो भी करना आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप रिमूव करके आपके आउटडोर यूनिट को दूसरी जगह ले जा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है पंप डाउन करने का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। थ्योरी इसलिए बताते हैं कि आप लोग को इजी माइंड में आ जाए, क्योंकि एक जगह पे एक बोर्ड पे बताते हैं ना तो थ्योरी में ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को बताएंगे, या आपको जिस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करें, हम उस टॉपिक को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।